Joining me is senior BJP leader and the observer of the BJP in the state of Goa, Devendra Fadnavis ji. Fadnavis ji, you have been stationed, आप स्टेशन रहे हो गोवा में पिछले दो महीने से, क्या आपका असेसमेंट है, क्या आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लोगों का बहुत समर्थन बीजेपी को मिल रहा है, हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर लोगों का विश्वास है और सबसे बड़ा विश्वास लोगों का मोदी जी पर है, इसलिए बीजेपी जीतेगी। देवेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है कि लास्ट टाइम जब भी उन्हें ज्यादा मिले थे बीजेपी से, अभी भी उनको कॉन्फिडेंस है कि वो मेजोरिटी लाएगी, कांग्रेस पार्टी को आपको क्या? मुझे लगता नहीं है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं बचा है। कांग्रेस पार्टी लीडरलेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में कोई भी लोगों में कॉन्फिडेंस उनके प्रति नहीं है और जिस प्रकार का उनका सारा काला कारोबार रहा है वो लोगों ने देखा है, मुझे लगता नहीं उनको सीटें मिलेगी। पैन इंडिया भी एक अलग कंट्रोवर्सी निकली है जो हिजाब पे निकली है, उस पर आपको क्या लगता है कि हिजाब या वैसे कोई रिलीजियस अटायर स्कूलों में अलाउ किया जाना चाहिए? देखिए, अब तो उस पर कोर्ट ने भी एक प्रकार से मोहर लगाई है, भले ही इंट्रीम ऑर्डर हो, और ये बिल्कुल सही है कि जो हमारे स्कूल कॉलेजेस है यहाँ पर यूनिफॉर्म या जो ड्रेस कोड है उसको ही फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि वो कोई धार्मिक जगह नहीं है, तो किसी भी धर्म के लोग हो वो सबने वहाँ पर उसी कोड को मान्य करना चाहिए। और मुझे लगता है पहले भी इस प्रकार का एक आदेश केरल हाईकोर्ट ने दिया हुआ है। फाइनल क्वेश्चन टू यू, यू हैव बीन अ वेरी पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑल्सो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, आपको यूपी और पंजाब के बारे में क्या आपकी आशा है? देखिए, मैं गोवा में हूँ तो मैंने यूपी और पंजाब में क्या हो रहा है इसका मैंने कोई जायजा तो लिया नहीं है, बट मुझे लगता है कि यूपी में इतना अच्छा काम हुआ है और मोदी जी और योगी जी के प्रति इतनी सद्भावना वहाँ है कि वहाँ तो कोई दूसरा रिजल्ट आने का कारण ही नहीं है।